हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज इनसाइक्लोपीडिया है और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये तुम लोग के क्लास 10th के हिस्ट्री जीवन का सबसे पहला चैप्टर है और मुझे लगता है यही सबसे ज्यादा लंका लगाता है बच्चों की। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसमें अंग्रेजी का चमत्कार बहुत जोरों से किया गया है, मतलब कि एनसीईआरटी वालों ने डिक्शनरी के सबसे मुश्किल वर्ड इसी पूरे चैप्टर में भर डाले हैं। और एक तो ऐसे इस चैप्टर को रचा गया है कि ना तुम लोग को कोई स्टोरी समझ में आएगी, ना तुम लोग को कोई फ्लो मिलेगा रीडिंग करने पे। मतलब पूरा रीडिंग करने के बाद भी तुम लोग के दिमाग में खिचड़ी से ज्यादा और कुछ नहीं बनेगा। सो इसी वजह से मैं तुम लोग को ये पूरा चैप्टर एकदम इजी वे में एक स्टोरी की तरह बताऊंगा, जिससे कि तुम लोग के दिमाग पे उतना प्रेशर भी ना पड़े। हम लोग पूरा चैप्टर इतने अच्छे से कवर करें कि तुम लोग को बाद में पढ़ने का जरूरत ना पड़े। तुम लोग के सामने एकदम क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, डेफिनेशंस स्क्रीन पे शो होती रहेंगी, तो उसको अच्छे से लिख लेना, जिससे तुम लोग के पास एकदम अच्छे तगड़े गॉड लेवल वाले नोट्स भी हो जाएं। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे, मतलब कि अगले 5-6 मिनट में तुम लोग को इस पूरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है मैं तुम लोग को ये अच्छे से समझा दूंगा। और बस चाय पानी और थोड़े से स्नैक्स लेकर बैठ जाओ और इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो देखो, इस चैप्टर में मेन हम लोगों को यूरोप के बारे में पढ़ना है, और उसको बताने से पहले मैं तुम लोग को एक स्टोरी बता देता हूँ। पहले के जमाने में एक राजा था, बहुत ज्यादा धर्म करता था, वो इतना धर्म करता था कि पूछो मत। राजा हरिश्चंद्र का गॉड लेवल। उसका एक अधर्मी बेटा हुआ, मतलब इतना अधर्म करता था कि वो पूरे देश को, पूरे चारों ओर देश को पूरा एकदम बेकार करके रख दिया। उसके बेटे का बेटा फिर से राजा बना, उसके बेटे का बेटा फिर से राजा बना, उसके बेटे का बेटा फिर से राजा बना, और सब लोग मिलके पूरा जनता को तहस नहस कर दिए और आखिर में पूरा राज्य खत्म हो गया। 2000 years later. अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो ही बनेगा जो हकदार होगा। सो तुम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कितना बड़ा टाइम पीरियड कवर किया। शुरुआत में राजा का बेटा राजा बनता था, लेकिन अभी राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। हम लोग खुद चूज कर सकते हैं कि आखिर हम लोग पे राज कौन करेगा, हम लोग के लीडर्स कौन होंगे। तो देखो, इतना चेंज आने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था और इसकी शुरुआत यूरोप से हुई थी। सो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि आखिर यूरोप के जो देश थे वो देश बने कैसे, क्योंकि पहले हम लोग की तरह तो किंगडम होता था, राजा है, उसका एम्पायर है, और जहां तक वो अपना क्षेत्रफल है उसका, वहां तक वो राज करता था। और दिक्कत इस बात की थी कि वो लोग परमानेंट नहीं होते थे। आज वो एक जगह का राजा है, कल वो हार गया तो कोई दूसरा राजा होगा। मतलब जनता फिक्स नहीं था, जनता की कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं थी, मतलब उनके अंदर कोई देशभक्ति वाली फीलिंग नहीं थी, वो लोग राजा के नाम से जाने जाते थे। तुम लोग समझ सकते हो कि टेनिस कोर्ट में जैसे बॉल इधर से उधर जाती रहती है, वैसे ही वहां की जनता, कहीं की भी जनता, पहले के टाइम पर राजाओं के बीच में ऐसे घूमती रहती थी, आज कोई और राजा है, कल कोई और राजा होगा। सो उनके पास कोई एक देश टाइप की चीज नहीं थी, एक कोई प्रॉपर नेशन नहीं था, प्रॉपर देश नहीं था। सो यूरोप में उस टाइम पर धीरे धीरे करके देश बनने शुरू हुए, मतलब प्रॉपर बाउंड्रीज फिक्स्ड होने लग गई, वहां के लोग डिसाइड करने लग गए कि उन पे राज कौन करेगा। सो ये सब आखिर हुआ कैसे, चिंगारी आखिर भड़की कहां पर। सो इन्हीं सब झमलों के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, मुझे लगता है तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर इस पूरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। तो देखो, शुरुआत में एक पेंटिंग दिया गया है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग अच्छे से पूरा चैप्टर में अच्छे से जाएंगे। तो इस पेंटिंग में तुम लोग देखोगे यहाँ पर कई देशों के लोग एक लाइन में खड़े हुए हैं 26 जनवरी की मिठाई का डिब्बा लेने के लिए, और ऊपर तुम लोग देखोगे एक लेडी डॉन है, सॉरी लेडी गॉड है, जिनके नीचे शेर बैठा हुआ है। इसके बाद उनके पास एक प्लस का साइन भी है जिससे भूत भाग जाते हैं। सो और सारे गॉड उनके तरफ जा रहे हैं। ये हम लोग को क्या दिखाती है कि इस टाइम पर ये जो ये जितने भी देश है ना झंडे, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी कॉमन में बता देता हूँ कि ये सब यूरोप के झंडे हैं। तो ये पेंटिंग हम लोग को बताती है कि सभी लोग एक इक्वल है। देखो, सब लोग एक लाइन से चल रहे हैं और ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, सब लोग एक के पीछे एक हैं। मतलब सब में एक तो इक्वालिटी है, भाईचारे की भावना है जिसे हम लोग फ्रेटर्निटी कहते हैं, और सब लोग एक लाइन में आगे जा रहे हैं एक रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक नेशन की ओर। यहाँ पर आगे एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी है जो लोगों को रास्ता दिखा रही है कि आखिर उन्हें जाना किस तरफ है। इसका समर्थन एगो
ऊपर बूढ़ी अम्मा भी कर रही हैं, जैसा तुम लोग देख सकते हो हाथ हिलाकर, और सारे जो देवी देवता हैं वो उनके तरफ जा रहे हैं, मतलब फ्रेटर्निटी के देवता की ओर जा रहे हैं, जो एकता जिसको कहते हैं हिंदी में, एकता के देवता की ओर। इसके बाद तुम लोग नीचे देखोगे कि यहाँ पर छोटे छोटे ताज पड़े हुए हैं, कुछ राजाओं के सिंबल्स पड़े हुए हैं, कुछ झंडे पड़े हुए हैं जो राजा के थे। मुझे पता है कि तुम लोग को अपने बुक में नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोग में से आधे से ज्यादा लोगों के पास पुश्तैनी किताबें रहती हैं जो सदियों से चली आती हैं। मेरे टाइम पे भी साल के एंड तक मेरी बुक ऐसी हो गई थी जैसे पानीपत की तीसरी लड़ाई उसी पे लड़ी गई हो, सो मैं समझ सकता हूँ। तो तुम लोग HD में करके देख लो, और यहाँ पर तुम लोग को छोटे मोटे राजाओं के ताज मुकुट ये सब तुम लोग को दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि अब यूरोप से ये जो राजशाही है वो चली गई है, और सब लोग ऐसी राह पे चल रहे हैं जो फ्रेटर्निटी की ओर जाती है, इक्वालिटी की ओर जाती है, और आगे जाके जहाँ पे यही लोग डिसाइड करेंगे कि उनको रूल कौन करेगा, मतलब ये मोनार्की जा चुकी है यूरोप से, ये पेंटिंग यही दिखाती है। सो इसको बनाया था फ्रेडरिक सॉरियो अंकल ने 1848 में। तो देखो ऐसा असली में कभी नहीं हुआ था, क्योंकि तुम लोग देवता लोग का पूजा करते करते थक जाते हो, लेकिन कभी ऐसे साक्षात प्रकट नहीं हो जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन है। 1848 के टाइम पर ये ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ये सारे राजा लोग मरे नहीं थे, लेकिन वहां पर जो कई सारे जो पेंटर्स थे वो ऐसे ही करके पेंटिंग बनाते रहते थे। ये एक इमेजिनेशन था कि हाँ ऐसा होगा, राम राज छाएगा, चारों ओर सब लोग इक्वल होंगे, सब लोग खुश होंगे, देवी देवतागण फूल वूल बरसाएंगे। तो उस टाइम पर वहां यूरोप के पेंटर्स ऐसे ही इमेजिनेशन करते थे कि हाँ कितना अच्छा होगा कि अगर ऐसा होता। तो इसे हम लोग यूटोपिया कहते हैं, जहां पर इमेजिनेशन के थ्रू हम लोग एक ऐसे वर्ल्ड को दिखाते हैं जहां पर सब लोग सही हों, सब लोग अच्छे हों, सब लोग खुश हों। सो इस पेंटिंग को ध्यान से देख लो, इस पेंटिंग पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। सो अगर मैं एक फायरिंग लाइन बोलूं तो तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये लोग राजा लोग जो यहाँ पर जिनका मुकुट उकुट गिरा हुआ है, जो ये सिंबल्स गिरे हुए हैं, वो इतने आसानी से तो गिरे नहीं होंगे, वहां के राजाओं ने बहुत कोशिश की होगी कि ये डेमोक्रेसी ना आए। इस चैप्टर में हम लोग यही सब देखेंगे कि ये राजा लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपना ये राजशाही एरिस्टोक्रेसी बचाने के लिए आखिर कितने हद तक गए, और कितनी कोशिशें की लोगों ने ये एक डेमोक्रेसी और प्रॉपर नेशन पाने के लिए। अब नेशन स्टेट और आगे का पूरा चैप्टर के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें मैं तुम लोग को फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेके पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से तुम लोग देख सकते हो। सो इसी के साथ हम लोग का ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है, और हाँ ये फ्री फोकट का वीडियो देख के सिर्फ और सिर्फ मत जाओ, लाइक भी कर दो और अपने चुटपुटिया दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, जिससे उन लोग का भी थोड़ा भला हो जाए, और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और तुम लोग को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस तुम लोग को रोज मिलते रहेंगे। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, खाली टाइम पे पबजी खेलते रहो, बहुत ज्यादा पढ़ते रहो, और कोरोना वायरस से बचे रहो। ना मैं भगवान हूँ, ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ।